राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, अपने पीछे मैं जो इमारत आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन 140 साल पुरानी है। इसको पहले सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो मेथोडिस्ट चर्च स्कूल का लगा हुआ है, जिसको लेकर विवाद जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि ये सरकारी स्कूल हुआ करता था, जिसको प्राइवेट बना दिया गया है। मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने स्कूल पे कब्जा कर लिया और यहाँ के स्टाफ और जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे थे उनको बाहर कर दिया गया है। कुल मिला के तमाम सारे शिक्षक जो है वो स्कूल के बाहर लगातार हैं, पुलिस तक भी गए हैं, इनका मामला जो है वो मंत्री तक भी गया है, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक हुई है हम इनसे बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? मैं सुमित कुमार राजन, असिस्टेंट टीचर, यहाँ पर कार्यरत हूँ 9 मार्च 2004 से और 10th भी मैंने यहीं से किया था। यहाँ पूरा मामला यही, कुछ फर्जी लोग हैं, उन्होंने एक फर्जी सोसाइटी रजिस्टर कर ली आनंद फानंद में और बिल्डिंग को कब्जा लिया। हमारे प्रिंसिपल साहब से ज़बरदस्ती डरा धमका कर वो इस्तीफा ले लिया कि अब वो है मैनेजर, और उसको बिल्डिंग को हथिया कर हम लोगों को एकदम बाहरी कर दिया और स्पोर्ट्स ग्राउंड में टिन शेड डाल दिया कि अब सेंटिनियल वहाँ चलेगा, यहाँ पर सीबीएसई। मतलब 140 साल पहले से जो स्कूल की इमारत जिस नाम से यहाँ पे चल रही थी उसको सामने आप बता रहे हैं प्लेग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया? जी, तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे थे, आप लोग जिनको पढ़ा रहे थे, वो भी बेचारे पे पढ़ाया जा रहा है, फिर उनको बाहर कर दिया? नहीं, वो भी हम लोगों को, छात्रों को, शिक्षकों को, दोनों को बाहर कर दिया गया। यही वजह है कि स्कूल के बाहर आप लोग मजबूर हैं छात्रों को पढ़ाने में। तो आज जल्दी भेज दिया क्योंकि गर्मी का है, उम्र से बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा भी देखना है और लेकिन उनका नुकसान भी ना, इसलिए हम लोग अपना थोड़ी देर उनको पढ़ाते हैं फिर चले जाते हैं। सर, मामला काफी लंबा है, सरकारी स्कूल को प्राइवेट बनाया जा रहा है, शिकायत आप लोग ने की है, मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या आदेश हुए अभी तक? अभी हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या आदेश हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन हम लोग को ये कहा गया है हमारे शिक्षक संघ ने कि आप लोग वहाँ पे विद्यालय पर रहिए और अधिकारी आएंगे तो अधिकारी लोग आए हैं, आज डीआई साहब आए हैं जो कि अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, नए हैं, उनको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और बीएसए साहब हैं वो भी आए हैं। नहीं, अभी हमने देखा कि कई शिक्षा विभाग के अधिकारी आए थे जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या यही आप लोग के साथ भी किया जा रहा है? ये हम लोग साथ भी किया जा रहा है, हम लोग तो शिक्षक हैं यहाँ पे, तो हम लोग को तो बिल्कुल गेट के पास भी नहीं पटकने दिया जाता है, गार्ड बाहर आ जाते हैं, कहते हैं आप लोग जाइए सर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सर, पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय हमें वापस मिले, और क्या, स्कूल चलो अभियान एक तरफ सरकार चला रही है और एक तरफ सारे बच्चों को निकाल के बाहर फेंक दिया, ये स्कूल चलो अभियान हो रहा है, 450-500 बच्चों को निकाल के बाहर फेंकवा दिया है, कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, यही चाहते हैं कि हमारा विद्यालय हमें वापस मिले। देखो, अंधेर गर्दी मचा रखी इन लोगों ने, विद्यालय वापस मिले, हमारा प्ले ग्राउंड हमको वापस मिले। तकरीबन सर कितना समय हो गया है? करीब 1.5 साल से ये हो रहा है, 1 साल 6 महीने लगातार प्रयास कर रहे हैं आप लोग? सब लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई यहाँ तक कि इतवार तक का दिन नहीं आता, सब दौड़ते भागते रहते हैं, अधिकारियों के पास कोई दौड़ा, कोई कहीं दौड़ा। तो कुल मिला के तमाम सारे शिक्षक थे, उन्होंने यहाँ पे बताया, कई शिक्षक तो ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि तकरीबन 140 साल पुरानी ये इमारत थी जहाँ से खुद पढ़ के निकले हैं। बता दूं कि 140 साल पहले सेंटिनल स्कूल यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब अपने सामने दिखाता हूँ आपको, बोर्ड जो है वो उस तरफ लगा हुआ है। जो शिक्षक है उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ रसूखदार लोग हैं जिन्होंने पहले यहाँ पे आए हैं, उसके बाद उन्होंने जो सरकारी यहाँ पे टीचर काम पढ़ा रहे थे उनको बाहर कर दिया, इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पे अपनी शिक्षा ले रहे थे उन सभी को निकाल के बाहर कर दिया है। अपने पीछे, मतलब अपने सामने आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था, जो शिक्षक बता रहे हैं, उस ग्राउंड को अब यहाँ पे स्कूल द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा दे दिया गया है कि यहाँ पे उनको एक इमारत बना के दी जाएगी जिसमें वो आगे की जो पढ़ाई है बच्चों को वो करवाएंगे। तो कुल मिला के शिक्षक हैं वो यहाँ पे चाहते हैं कि जो उनका हक है वो उनको वापस मिले। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा विभाग के कई आला अधिकारी आए थे जिनको अंदर जाने के लिए तकरीबन आधे घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। विजय अनुराग के साथ हमारे इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।